वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम सुदेशना फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल एंड वेलकम टू द थर्ड क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे इज इंग्लिश क्लास एंड वी विल डिस्कस योर चैप्टर नंबर 8 विच इज सेन एंड इनसेन. ओके, सो यू जस्ट लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेन मीन्स समझदार और इनसेन मीन्स जो अकलमंदी का काम ना करे, ठीक है, जो समझदार ना हो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर. द फॉलोइंग इंसिडेंट हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया. इस कहानी में जो इंसिडेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है. अ मैन एंड हिज वाइफ वंस विश्ड टू विजिट अ रिलेटिव ऑफ देयर ओन. एक दिन एक मैन और उसके वाइफ ने अपने रिलेटिव के यहाँ पर विजिट करने के लिए सोचा, घूमने को सोचा. द रिलेटिव लिव्ड इन अ डिस्टेंस लैंड. और जो रिलेटिव थे वो कहाँ रहते थे? वो काफ़ी दूर रहते थे, ठीक है. द कपल वर ड्राइविंग अलोंग अ लोनली कंट्री साइड. और जो वो कपल थे वो ग्रामीण इलाकों में अकेले ड्राइव कर रहे थे. दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट देयर वे थ्रिस. और वो ऑलरेडी ही अपने मार्ग से तीन बार भटक चुके थे, घूम घूम कर वहीं पर आ रहे थे. एट अ पॉइंट दे नोटिस्ड अ लार्ज बट रंड हाउस. रंड मीन्स डिस्ट्रॉयड. ओके, एक पॉइंट पर उन्होंने नोटिस किया कि एक बड़ा मगर खराब घर, ठीक है. अ पासर बाय सेड दैट अ डॉक्टर लिव्ड देयर. एक पैसेंजर, पासर बाय मीन्स ट्रैवलर, ठीक है, एक ट्रैवलर ने बोला, वहाँ से जाने वाले इंसान ने बोला कि यहाँ पर एक डॉक्टर रहता था. द मैन रिमेम्बर्ड इट एज अ लैंडमार्क फॉर हिज रिटर्न जर्नी टू होम. और उस मैन ने उस मार्क को रिमेम्बर रखा, याद रखा, एज अ लैंडमार्क फॉर हिज रिटर्न जर्नी, ठीक है, घर जाने के लिए उसे एज अ लैंडमार्क याद रखा. अ साइन सेड दैट अ डॉक्टर लिव देयर. वो साइन से क्या पता चला? कहता था कि डॉक्टर यहाँ पर रहता था. ओके, सडनली द कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड क्रश्ड इनटू अ ह्यूज ओक ट्री. अचानक वो कार आउट ऑफ कंट्रोल चली गई और एक बड़े ओक ट्री से क्रश्ड हो गई, टकरा गई. The man who was behind the wheel was badly shaken but not injured. और जो man steering के पीछे बैठा था वो बहुत बुरी तरीके से shake हो गया, but उन्हें कोई भी चोट नहीं आई. But unfortunately his wife became unconscious and bleeding profusely from her head and mouth. और ना चाहते हुए भी क्या हुआ students, जो उनकी wife थी वो बेहोश हो गई और ब्लीडिंग होने लगी उनके मुंह से और सिर से बहुत बुरी तरीके से, ठीक है. हर कंडीशन वॉज क्रिटिकल. और उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही नाजुक हो गई थी. शी शुड इमिडिएटली बी ट्रांसपोर्टेड टू अ हॉस्पिटल. और उस टाइम पे उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था जल्दी से जल्दी. बट द मैन डिड नॉट रिमेम्बर सीइंग एनी अदर कार और हॉस्पिटल अलोंग द वे. और मगर स्टूडेंट, वो जो मैन था उनको कुछ भी याद नहीं था और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई भी कार जाती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है, और ना ही उन्हें हॉस्पिटल का रास्ता पता था. He remembered the doctor's sign about 500 meters back. और उनको सिर्फ वो साइन याद आया जो लगभग कितनी दूरी पर था? 500 meters दूरी पर था, पीछे था, ठीक है. Desperately, he carried his wife on his shoulder to the doctor's house. और निराशा, डिस्परेटली मीन्स निराशापूर्वक, ठीक है, निराशा से उन्होंने अपनी वाइफ को अपने शोल्डर्स पर रखा, कैरी किया और डॉक्टर के घर की तरफ
चल दिए। ऑन रीचिंग द हाउस ही नॉक्ड एट द डोर एंड वेटेड। और घर पर उनके घर पर पहुंचते ही उन्होंने डोर को नॉक किया और वेट किया वहां पर। अ पेल लुकिंग ग्रे हेयर डर्टी मैन ओपन द डोर एंड टोल्ड दैट ही वॉज द डॉक्टर। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो कौन था वहाँ पर? एक येलो कलर का आदमी, जिसका कलर येलो था और उसके हेयर ग्रे कलर के थे और बहुत ही गंदा सा मैन था, ठीक है। उसने दरवाज़ा खोला और बोला कि वो डॉक्टर था। द टू मैन कैरिड द वाउंडेड लेडी इनटू एन अनटेडी एंड कल्टर्ड रूम। कल्टर्ड मीन्स अव्यवस्थित, जिसमें सामान इधर उधर पड़ा हो, ठीक जगह पर ना रखा हो। ओके, सो उन दोनों ने उस घायल लेडी को अंदर लेकर गए, जो बहुत ही अव्यवस्थित रूम था उसके अंदर लेकर गए। देयर दे लेड हर ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। और वहाँ पर उन्होंने उस लेडी को ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा दिया। एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ डस्ट। और सब चीज़ें क्या थी उस घर के अंदर? एक डस्ट की मोटी परत से ढकी हुई थी, कवर की हुई थी। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हर एंड सेड। डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया और कहा, हर स्कल इज बैडली फ्रैक्चर्ड, शी नीड्स इमीडिएट ऑपरेशन, अदरवाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ हर सर्वाइविंग विल बी जीरो। और उसने क्या कहा था? उसने कहा कि जो स्कल मीन्स उसकी खोपड़ी, ओके, उसकी खोपड़ी बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गई है और उसको इमिडिएटली ऑपरेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज उसकी क्या हो सकती है स्टूडेंट, उसकी जो सर्वाइविंग है वो ज़ीरो हो जाएगी, उसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, वो जी नहीं पाएगी, मर जाएगी। द मैन हेजिटेटेड बट ही न्यू देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट। वो मैन जो था, जिसकी वाइफ थी, वो हेजिटेट हुआ, बट उसे पता था कि वो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। द मैन एग्रीड एंड द डॉक्टर क्विकली स्टार्टेड हिज वर्क। तो वो आदमी एग्री हो गया और डॉक्टर ने अपना वर्क करना शुरू किया। वाइल द डॉक्टर वॉज ऑपरेटिंग द मैन वेटेड आउटसाइड द रूम। और जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था तो वो मैन रूम के आउटसाइड वेट कर रहा था कि कब ऑपरेशन ख़त्म होगा। सडनली ही नोटिस्ड फोर आर्म्ड मैन क्रीपिंग इन द शेडो। और अचानक उसने क्या देखा कि चार हाथों वाला आदमी शेडो में रेंग रहा है। दे मूव्ड कॉशियसली टूवर्ड्स द डोर। और वो क्या कर रहे थे? वो डोर की तरफ आ रहे थे, सावधानी से बढ़ रहे थे। दे हैड थिक रोब्ड इन देयर हैंड्स। और उनके हाथ में क्या थी? बांधने वाली रस्सी, ठीक है। द मैन थॉट दैट दे वर थीव्स। और उस मैन ने सोचा कि ये लोग क्या, कौन हैं? चोर हैं। ही रश्ड टू देम एंड सेड। और वो उनके पास पहुंचा और कहा, प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, प्लीज़ वेट करो थोड़ी देर के लिए, द डॉक्टर इज़ ऑपरेटिंग अपॉन माई वाइफ। और जो डॉक्टर है वो मेरी वाइफ पर ऑपरेशन कर रहा है। शी इज़ बैडली इंजर्ड। और वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड, घायल है। एनी इंटरप्शन विल कॉस्ट द लाइफ ऑफ माई वाइफ। कोई भी इंटरप्शन मेरी वाइफ की लाइफ की कीमत हो सकती है। द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग अपॉन योर वाइफ, दे वंडर्ड। और उन लोगों ने सोचा कि डॉक्टर उनकी वाइफ का ऑपरेशन कर रहे हैं। द डॉक्टर ऑपरेटिंग अपॉन योर वाइफ हैज़ जस्ट एस्केप्ड फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल अर्ली दिस मॉर्निंग। He had been a famous surgeon until he became insane, they added.
और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर आपके वाइफ का ऑपरेशन कर रहा है वो आज सुबह ही मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया था। एंड वो एक बहुत ही अच्छे फेमस सर्जन थे, जब तक वो इंसेन नहीं बने थे, जब तक उनका दिमाग सही से काम करता था, मगर जब से उनका दिमाग सही से काम करना बंद किया है वो एक अच्छे सर्जन नहीं है। उन्होंने ये बात उसको बताई। एज सुन एज द ऑपरेशन वॉज ओवर द फोर मैन स्प्रैंग अपॉन द डॉक्टर, और जल्द से जल्दी ऑपरेशन ओवर किया, ठीक है, ओवर हुआ था, और उन लोगों ने उस डॉक्टर को पकड़ लिया, उछलकर एकदम से पकड़ लिया। द डॉक्टर स्क्रैम्ड एंड रिसाइटेड बट वॉज सून ओवर पावर्ड, एंड जो डॉक्टर था उसने बहुत चिल्लाया और विरोध किया कि नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मगर उनको जल्द ही काबू में कर लिया। एन एम्बुलेंस इमिडिएटली टुक द वुमेन टू अ हॉस्पिटल, और एक एम्बुलेंस ने जल्दी से उस वुमेन को लिया और हॉस्पिटल ले गई। देयर सर्जन्स एग्जामिन्ड हर स्कल, और वहाँ के सर्जन्स ने क्या किया, उसके उनके स्कल को एग्जामिन किया। योर वाइफ विल रिकवर कम्प्लीटली, द हेड ऑफ द सर्जन सेड टू द मैन, और जो सर्जन्स के हेड थे उन्होंने उस मैन से कहा कि आपकी वाइफ जल्द ही रिकवर कर लेगी। ओनली वन सर्जन आई नो कुड हैव परफॉर्म्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सक्सेसफुली, ही इज नाउ इन अ मेंटल हॉस्पिटल, आई एम पजल्ड, ही टोल्ड इन वंडर, और उसने अपने सोचते हुए कहा कि ओनली एक ही सर्जन है जिसको वो अच्छे तरीके से जानता है और जो इस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकता है, और वो कहाँ पर है इस टाइम पर, मेंटल हॉस्पिटल में है। ओके, सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। इफ यू डिडंट जस्ट वॉच दिस वीडियो मैनी टाइम्स, ओके, एंड स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी, सो थैंक यू सो मच।